जिम में की जाने वाली दो सबसे टफेस्ट एक्सरसाइज स्क्वाट और डेडलिफ्ट में से स्क्वाट को करते समय ज्यादातर लोग गलती करते हैं। कुछ लोग स्क्वाट लेते समय आगे की तरफ लीन कर जाते हैं, जिसकी वजह से इंजरी का रिस्क बढ़ जाता है। आइए आज आपको बताते हैं कि उसके पीछे बायोमैकेनिकली क्या क्या कारण हो सकते हैं। जिन लोगों की फेमर बोन थोड़ी लंबी होती है, अक्सर उनके साथ ये दिक्कत आती है। शॉर्ट फेमर वाले लोग नेचुरली स्क्वाट को सही तरीके से कर पाते हैं। ज्यादातर वेट लिफ्टर्स की फेमर बोन छोटी होती है, इस वजह से उनका पोस्चर एकदम परफेक्ट होता है। लॉन्ग फेमर वाले लोग की टेंडेंसी होती है कि वो आगे की तरफ स्क्वाट लेते हुए झुक जाते हैं और उनके हिप्स नी एक्सटेंशन से पहले ऊपर की तरफ लिफ्ट होना शुरू कर देते हैं। इसका एक बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है कि जब भी आप स्क्वाट करें तो अपनी हील के नीचे कोई सपोर्ट रखें, जिसकी वजह से आपके नीज का एंगल ऊपर चला जाएगा और उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए आपकी बॉडी पीछे की तरफ टिल्ट होकर एक परफेक्ट स्क्वाट पोजीशन में आ जाएगी, जिससे आपका वेट भी आगे की तरफ नहीं गिरेगा।